आज तुम लोगों से रीडिंग करवाएंगे, तो तैयार हो? क्या चीज? आज तुम लोगों से रीडिंग करवाऊंगा मैं, तैयार हो तुम लोग? हाँ जी, तैयार है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोग आ चुके हैं काफी सारे, है ना? ठीक है, तो ये सचिन तेंदुलकर की बुक से एक पैसेज उठाया मैंने। ये जो है ये चलो मैं एक करके सबसे पढ़वाता हूँ, ठीक है? ये आनंद से पढ़वाते हैं और इसका मतलब बताएंगे धनेश्वरी, ठीक है? आनंद आप पढ़िए। ओके सर। ऑन 16 नवंबर 2013 माई क्रिकेटिंग जर्नी फाइनली केम टू एन एंड एट द वानखेड़े स्टेडियम। आफ्टर सम हाउ मैनेजिंग टू कंप्लीट माई फेयरवेल स्पीच, आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ माई फैमिली ट्राइंग टू शॉक एंड एवरी मोमेंट व्हेन माई टीम मेट विराट कोहली वर्ल्ड कप टू मी ही सैड, पाजी आपने कहा था आपको याद दिलाने के लिए कि आपको पिच पिच पे जाना है। यू आस्क मी टू रिमाइंड यू दैट यू हैव टू गो टू द पिच ऑन फाइनल टाइम। टू बी ऑनेस्ट आई हैड नॉट फॉरगॉटन, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पुट द मोमेंट ऑफ अ लिटिल लॉन्गर। इट वॉज टू बी माई फाइनल विजिट टू द 22 yards दैट हैड नटेड नटेड एंड केयर फॉर नर्चर। वेरी मी फॉर सो लॉन्ग। गुड, वेरी गुड आनंद। ओके धनेश्वरी, क्या था मतलब इसका? ये असली वैली ये बताओ, ये किस चीज की बात हो रही है? सर ये उनकी जो जर्नी है एंड हो गई है उसके बारे में। हाँ, ये आखिरी बहुत अहम वो है, ये सचिन तेंदुलकर की लाइफ में जब ये जा रहे हैं हाँ तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे? मोटा मोटा पहले कौन बताएगा और फिर एक एक लाइन के ऊपर जाएंगे हम लोग। मोटा मोटा बताओ भाई, सर मैं आनंद ने तो बताऊँ पढ़ लिया क्या है ना? नहीं, आनंद ने तो पढ़ लिया भाई। मोटा मोटा हाँ मोटा चेक। सब? अच्छा उसका हाँ, ट्रांसलेशन बताओ पहले, हिंदी में बताओ, मोटा मोटा बताओ पूरे उसका मतलब। दो 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 तीन लाइनों में ये पूरा बताना है पहले, वो सर बताओ मैं तुम सबसे बताऊंगी, पहले। दो तीन लाइन में नहीं सर जी, नहीं उसका पूरा करते हैं। नहीं नहीं मैं मोटा मोटा पूछ रहा हूँ, एक लाइन का नहीं पूछ रहा हूँ। ये बताओ कौन बोल रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, इतना बताओ पहले। सचिन ये सचिन तेंदुलकर जी बोल रहे हैं, तेंदुलकर बोल रहे हैं, हाँ, और कब कब किस किस मौके पे वो जब जब बोल रहे हैं? फेयरवेल रहता है ना उनका, विदाई विदाई समारोह, उस टाइम का। हाँ 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 आनंद, हाँ बोलो, और कौन कौन बोल रहा था, बोलो। बोल रहे हैं कि नवंबर 16 नवंबर 2013 में जब माई क्रिकेटिंग जर्नी फाइनली केम टू एंड, जब फाइनली केम टू एंड, मेरी क्रिकेट की जो सफर है वो अंत की हाँ ओर खत्म हुआ, था, आया हाँ था वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम। अब नहीं, अब रुक जाओ, अब आनंद बताएगा अगली लाइन। आनंद बताएगा आफ्टर आफ्टर ये आनंद आनंद बताएगा। हाँ आनंद, मैनेजिंग से मतलब जैसे ही उसका फेयरवेल खत्म हुआ वो आई वॉज हैविंग टू कन्वर्सेशन विद माई, वो भी अपने मतलब फैमिली से जो बातचीत करने लगे। और हाँ, कौन है, कौन है सचिन, सचिन तेंदुलकर की फैमिली कौन है लोग? पता नहीं उसका विराट कोहली की उसका, बेटी का हाँ, और उसके बेटे नाम बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। हाँ, तो वो भी हट रहा होगा अर्जुन तेंदुलकर उसमें, ठीक है? तो लोग मतलब इसमें शौक हर हाँ मोमेंट बात कर मतलब रहे एक थे। शौक शौक से भरा हुआ था, शॉकिंग था, डूब नहीं, हाँ तो ये गए थे वो बताओ, ये लोग। शौक इसका क्या मतलब है, ट्राइंग टू शोक शोक का क्या मतलब है? डूबना, मतलब किसी चीज में खो जाते हैं ना, वो वाला डूबना। हाँ, ये शौक नहीं है,
ये अच्छा, सूख शोक है, वाला, शोक सूख यानी हाँ मतलब पानी को जिस तरह से लेते हैं। अगर आप कपड़ा रखें तो पानी मतलब सींच लेता है ना पानी को कपड़ा, हाँ उसी तरह से हाँ मैं हर मोमेंट हर को यानी मोमेंट पे हर शोक पल लेने को की सींच कोशिश रहा करता हूँ था। जी। हाँ। अच्छा और कौन आया फिर? आनंद और चेतना के अलावा बताइए कौन कौन आया फिर क्या हुआ? अकेश्वर सर आगे मैं ट्राई करूँ फिर से। नहीं, अब रुको अभी। वैष्णवी? अच्छा विकी, विकी वर्मा आप बताइए क्या है ये? व्हेन माय टीममेट विराट कोहली वॉक्ड अप टू मी, तो क्या मतलब विकी वर्मा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताओ क्या समझ में आ रहा है? बहुत बेचक बोलो ऐसे, क्या क्योंकि एग्जाम थोड़ा चल रहा है, बेचक सर बोलो। नहीं जब अपनी टीम में था नहीं तो रुक मेरे जाओ रुक जाओ, नहीं, रुक जाओ, विकी को को बोलने दो, बोल रहा है बेचारा। सुनाई हाँ विकी बोलिए, क्या बोलूँ सर। आपको सवाल समझ आया? सर मैं भी आने तो अभी ज्वाइन अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा अगले उसमें बोलना ठीक है, कोई बात नहीं। अभी खुशबू को, खुशबू बोल रही। हाँ बोलो भाई खुशबू। आप म्यूट पे हैं जी, खुशबू? आपने जो ना मार्क मार्क कर दिया है तो वो ही सैड के बाद तो नहीं दिख रहा है, उसको पूछने आई थी वो, उसको थोड़ा सा अच्छा दीजिए। अच्छा पार्टी ठीक ठीक है है। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ऐसा करो ऐसा करो, आप धनेश्वरी बता देगी इसका मतलब। व्हेन माय टीममेट विराट कोहली वॉक्ड अप टू मी, धनेश्वरी। सर हाँ जब मतलब देन माय टीममेट विराट कोहली वॉन्टेड टू मी, मैं टीममेट था तो मेरे साथ विराट कोहली भी थे। हाँ तो वो आए, वो चलते चलते मेरी तरफ आए, मेरी तरफ आए सी शायद हाँ अब लिख नहीं रहा है वो, क्या लिखा है? पाजी पाजी लिखा है, पाजी लिखा है, पाजी। लिखा है। हाँ हाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है विराट कोहली? नहीं उसके हाँ बाद सी क्या इतना है, क्यों शक रहे एक हो भाई तुमने? ही सैड बताओ लिखा है, सी सैड नहीं, सैड उसके बाद ही सही पाजी लिखा है उसके भाई, बाद। हमको इतना हिचक है। हाँ इसके बाद आपने आपने कहा था, बिल्कुल सही। आपने कहा था। हाँ नहीं सर मुझे हाँ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा रुको, नहीं एक सेकंड रुको, अरे ऐसी कोई दिक्कत है ना तो रुको रुको। हो गया सर जी, ही शायद हाँ बेहतर मतलब दिख रहा जो है, अब बेहतर दिख रहा है। आजी आपने कहा था आपको याद दिलाने के लिए कि आपको पिच पीच पे जाना पे जाना है। है। यू आस्क्ड मी हाँ रिमाइंड यू दैट यू हैड कैन हाँ टू। हाँ ठीक है। अब वो हाँ तो इसके पहले क्या हुआ था, यानी इसके पहले सचिन ने विराट से क्या बोला होगा, उसको याद दिलाने क्या के कह लिए रहे हैं? बोला। वो याद हाँ दिलाने याद के लिए, दिलाने के लिए बोला होगा। हाँ सही एकदम। हाँ और क्या कह रहे हैं वो सचिन, ये टू बी ऑनेस्ट आई हैडन फॉरगॉटन, इसका मतलब क्या है? आनंद और चेतना के अलावा बोले, इसका मतलब क्या है इस लाइन का? शोभा साहू सर तनु मैं ईमानदार हूँ कि मैं इसे बने। भूला नहीं हूँ। हाँ मैं एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार हाँ हूँ, नहीं, ईमानदारी से मैं मैंने बहुत मानता अच्छा हूँ। किया। हाँ हाँ अगर मैं सच बोलूं तो मैं भूला नहीं था, ये है इसका मतलब। ठीक है ऐसे आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पुट द मोमेंट ऑफ अ लिटिल लॉन्गर, इसका मतलब क्या है? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पुट द मोमेंट ऑफ अ लिटिल लॉन्गर, मैं कोशिश कर रहा था कि मतलब कोशिश जो कर रहा मोमेंट था है वो कि थोड़ा और लंबा चले। और लंबा। हाँ 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 हाँ
लेकिन विराट ने पहले ही कह दिया मुझसे। वेरी गुड ये सुभा, वेरी गुड बच्चे थे। मेरा लास्ट कपेश्वर मुलाकात है, मुलाकात था। क्या कह रही है चेतना? इट वॉज टू बी माई फाइनल विजिट टू सकते, तो ये मेरा लास्ट फाइनल मुलाकात था, अंतिम हाँ, मुलाकात इस चीज से टू 22 यार्ड्स 22 यार्ड्स क्या है? पिच है, यार्ड पिच है, पिच है। सही कह रहा है आनंद, पिच की बात कर रहा है वो। दैट है पीच को पूछते नर्चर्ड का मतलब क्या होता है? नर्चर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का क्या सर। मतलब है? नो शर केयर टाइप का हाँ होता होगा, सर, केयर वो केयर परवरिश, नरिश परवरिश। परवरिश लो, जैसे हाँ परवरिश, नरिशमेंट बोलते हाँ हाँ शोभा, शोभा ने सबसे पहले जवाब दिया था। हाँ वेरी गुड, यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड चेतना। शोभा नरिश्ड एंड केयर्ड फॉर मी फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, ओके। अच्छा चलो, अब ये पढ़ते हैं अगली लाइन। ये लिखी है मारिया शारापोवा ने। मारिया शारापोवा कौन है? मारिया। टेनिस प्लेयर है ये, बहुत बड़ी दुनिया की। ठीक है, ठीक है। विकी, कहाँ तुम ये है यूएसए की है टेनिस प्लेयर। विकी आप पढ़िए, ये पढ़िए सबसे पहले। आया ने जिस तरह पिछली बार पढ़ा था ना। मारिया जोर से बोल बिना डर के। हाँ विकी, पूरा पूरा देखो हमें डर के कुछ नहीं हुआ, तो आराम बेचक पढ़ो। कोई गलतियां वलतियां कर रहे, कोई कुछ नहीं। डेफिनेट माइंड गेम मोर देन एनीथिंग हेलो, बेटी खिची। आई डोंट नॉट हाँ रुक नो जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। हाँ इस रुक जाओ, रुक जाओ, यही रुक जाओ। इस सेंटेंस का क्या मतलब है भाई? व्हाट हैज डिफाइंड माय गेम मोर देन डिटरमिनेशन टेनिसिटी? क्या है इसका मतलब? क्या क्या कह रही है वो, क्या पूछ रही है, और क्या जवाब है इसके? बताओ भी, कोई भी जवाब दे सकता है। मेरे गेम मेरे से ज्यादा खेल क्या के मेरी अलावा पहचान हो कौन सकती है आपकी? परमिशन कर सकता है कुछ और करके। हाँ, तो अगर मुझे अब अपने टेनिस के बारे में कुछ बोलना है, जो जिसने मेरे गेम को, मेरे टेनिस को बनाया है किसी भी और चीज से ज्यादा, वो ये दो चीजें हैं, डिटर्मिनेशन और टेनिसिटी। विकी, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सर कोई बात नहीं, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी। सर, एक संकल्प, हाँ, शोभा। लेते हैं तेरे हाँ लेकिन लिए। खुशबू को जवाब देने दो। शोभा अभी खुशबू को देने दो ना। हाँ लेकिन जवाब सही था। एक ग्रेट संबोधन, संबोधन, संबोधन मतलब किसी चीज को डिफाइन करते हैं, वो टाइप का डिटरमिनेशन आता। हाँ। और टेनिसिटी, टेनिसिटी का मतलब क्या होता है? धनेश्वरी, वैष्णवी, टकेश्वर, कोई बोल ही नहीं रहा है लोगों इसका भी मतलब वही कुछ होगा सर, मतलब किसी चीज के लिए बहुत तपस्या करने या कुछ, बहुत संघर्ष बहुत टाइम तक के लिए तप करना। को। दृढ़ता पूर्वक कैसा कुछ डिटरमिनेशन हाँ 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 मतलब ये। निडरता, निडरता से, वही है, वही है। हाँ हाँ फिर विकी आगे पढ़ो। आई डू नॉट क्विक इट नॉक मी डाउन 10 टाइम्स आई गेट हाँ विकी, की क्या 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 खबर है भाई? बोलो जोर से बोलो, क्या हो गया? नॉक मी डाउन 10 टाइम आई गेट अप द एलिवेशन एंड सो दैट अलाउ बल राइट बैक एट यू। हाँ बस रुक जाओ। हाँ क्या क्या कह रहा है विकी, क्या कह रही है वो? नॉक मी डाउन 10 टाइम्स का मतलब क्या है?
नॉक मी डाउन 10 टाइम्स का मतलब ये है कि मुझे 10 बार गिरा दो, लेकिन मैं 11वीं 11वीं बार वापस उठ जाऊंगी, वापस खड़ी हो जाऊंगी मैं। और मैं जो टेनिस की जो येलो बॉल होती है ना, मैं उसी से वो ही आपकी तरफ वापस फेंकूंगी। सर, ये जो SHOVE है, इसका क्या मतलब है? शो का धक्का मार के, हाँ, कम तो 11वीं बार उठूंगी और मतलब वही बॉल धक्का मार के वापस करूंगी आपको। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं हार नहीं मानती हूँ आसानी से, और इसी ने होता मेरा सक्सेस, इसी ने मेरी जो 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 मेरी जो मतलब जो मैंने इतना कुछ किया है लाइफ में, महेश शर्मा बहुत बड़ी प्लेयर है, कह रहे जो भी कुछ मैंने किया वो इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से। हाँ विकी, और पढ़ो, दिस विल नॉट बीट मी, हाँ ये जोर 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 से पढ़ो, बिना डरे डरे, ऐसे लग रहा है तुम तो बिल्कुल मरने के कगार पे। दिस विल नॉट बेट मी, आई सेड दिस विल नॉट बी दैट द लास्ट वर्ड। हाँ बंद हो जा, हाँ क्या क्या है ये, इसका क्या मतलब है? या मुझे ये बीट नहीं कर सकती, उसने मुझे कहा। नहीं हराएगा, मैंने हाँ कहा हाँ ये हाँ मेरा आखिरी शब्द नहीं होगा। हाँ, चेतना एकदम सही बोल रही है। हाँ, विकी, टू अंडरस्टैंड, हाँ बोलो, यहाँ से पढ़ो। To understand my determinants, you need to know who I am, where I come from, what happened. You need to हाँ बस know. बस 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 बस, हाँ इसका सेंटेंस बताओ विकी, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से जो तुमने अभी अभी पढ़ा? बोलो यार, निडर होके बोलो, तुम तो एकदम ही ऐसे फैल गए हो, इतना इतना डर डरते हैं, बोलो यार। विकी, यस हाँ बोलो भाई, क्या मतलब है इसका, क्या समझ में आ रहा है? मैं बताऊं सर, नहीं, विकी को बोलने दो, चेतना तो और आनंद तो बहुत बोल चुके हैं, तुम्हें भी सचिन बनना है भाई, तुम्हें भी विराट बनना है, ऐसे कैसे काम चलेगा, बोलो ना, क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो बोलो। धनेश्वरी, बताओ कि क्या है इसका मतलब? तो सुन भी रही है धनेश्वरी या नहीं? सर मैं बताऊं, नहीं, आनंद और चेतना ऑलरेडी जवाब दे चुके। शोभा साहू बताइए, सर खुशबू, खुशबू निर्मल कर, आप बताइए। टू अंडरस्टैंड, डायलॉग टू अंडरस्टैंड माई डिटर्मिनेशंस यू नीड टू नो हु आई एम। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे संकल्प जो, और मैं कहाँ से आया, हाँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। हाँ, तो हाँ तो सही है, तो मेरी दृढ़ता अगर तुम्हें समझनी है तो ये समझना पड़ेगा सबसे तो पहले कि मैं हूं कौन, कहाँ से आई हूँ और क्या हुआ मुझे, ठीक क्या हुआ? है? ये है, ये कह रहे, तो अगर दृढ़ता जो है उसकी वो समझनी है, आपकी समझना पड़ेगा वो है कौन, कहाँ से आई है, क्या हुआ। हाँ विकी और पढ़ो, यू नीड टू, विकी और पढ़ो, यू नीड टू। नीड टू नाउन अबाउट मी एंड माई फादर एंड द फाइट फ्रॉम ऋषि इन द डेड ऑफ नाइट व्हेन आई वाज सिक। यू नीड बस हाँ, बस बस, एक एक लाइन एक बार में। हाँ विकी, इस वर्ड का क्या मतलब है? माय हाँ, फादर एंड फ्लाई फ्रॉम, रशिया, रशिया क्या है, क्या है, क्या है ये रशिया, क्या होता है, देश है सर, कंट्री है ना सर? फादर रूस। रशिया, रूस ही है, हाँ रूस को बोलते हैं है, हाँ हाँ रूस, रूस, हाँ, रूसिया। ठीक है, वेरी गुड विकी, लेकिन और भी हमें कोशिश करनी, ठीक है? और निडर होकर बोलो, तुम तो एकदम ही मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं रहे, ये ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, इतने अच्छे से पढ़ रीडिंग की है तुमने, और बोला करो। यस डेड ऑफ नाइट का मतलब क्या होता है विकी? डेट और ऑफ ना ऐसे नाउ ये, हाँ
इसका मतलब क्या? डे ऑफ नाइट, रात। हाँ यही तो पूछ रहा हूं मैं, यानी अंधेर रात में, ठीक है, डेड ऑफ नाइट मतलब अंधेर रात में, ठीक यस है। यस ठीक है, चलो अब अगला, अब ये वाला तनु आप पढ़िए, ये एकदम उसका अलग तो है। पूरा ही नहीं हुआ है सर, मेरे को और पूछना है उसमें। ओके कीजिए ना बैक। अच्छा चलो, हाँ बोलो। यहाँ भेजना था कि तुम्हें मेरे बारे में जानना होगा, मेरे फादर के बारे में। द फ्लाइट फ्रॉम रशिया इन द डेड ऑफ नाइट, तो ये कैसे बोल रहा है कि अंधेरी रात जो आपने, कि पापा जी चले गए क्या, मतलब फ्लाइट से। नहीं तो हुआ ये था कि ये और इसके पापा रशिया हाँ से भाग आए थे, भाग आए थे रशिया से हाँ अंधेरी जी रात में जब ये 6 साल की थी। हाँ की थी। तो ये उस वाली फ्लाइट के बारे में बता रही है हमें कि कैसे मैं भागी। अगर आप बुक पढ़ें इसकी जो है, वो उसमें बताती है कि वो किस कैसे किस किस परिस्थितियों में वो भागी फ्लाइट पकड़ के रूस से यूएस आई। तो वो जो क्या था एक्सपीरियंस, क्या रहा वो उसके बारे में जानना पड़ेगा अगर आपको उसकी दृढ़ता के बारे में जानना। ये है, ठीक है, ओके। तो सर इसमें जो देखिए नेम दिया है निक बी सिक, कौन सा, क्या कह रही है शोभा? सर इसमें जो नेम दिया है निक बी सेक्यो, सेरेना, तो ये सब कोई फेमस पर्सन है। हाँ तो ये सारे फेमस लोग हैं। सरीना, सरीना विलियम्स, सरीना विलियम्स का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ। वो भी, सर हाँ वो भी एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है और इसकी जानी मानी दुश्मन है मारिया शारापोवा की। तो कैसे हुई इसमें दुश्मनी? निक निक फ्लाइट भी जो बोला है, निक कपल, इनके कोच हैं और सीकू भी एक इनके दोस्त थे। खैर सर इसमें नाइस ओल्ड कपल किसको बोल रहे हैं, पुरानी कपल दंपत्ति था यानी हस्बैंड वाइफ। हाँ हाँ पुराना एक एक ओल्ड बुजुर्ग लोग थे, हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने पोलैंड से थे, जिन्होंने इनकी मदद की जिस रात वो भागे रूस से। तो उनके बारे में जानना पड़ेगा। यू नीड टू नो द क्रेजी स्टोरी, यानी आपको वो पागल कहानी जाननी पड़ेगी। और दूसरे सी शब्दों में रिवॉल्व्स यू नीड टू नो एवरीथिंग, और सब ठीक जानने है, के लिए। यस सर, ये है। यू नीड टू नो एवरीथिंग का मतलब क्या होता है विक्की वर्मा? हाँ एवरीथिंग नाम, इसका मतलब इसका यू नीड टू नो एवरीथिंग का क्या मतलब भाई? सर विक्की आप कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा था, कोई बात नहीं, मतलब बेहिचक बोलो, डरने वरने की कोई गलत भी होगी, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं कौन सा स्कूल का टीचर हूँ। यू नीड टू नो एवरीथिंग मतलब क्या है? मतलब ताकेश्वर, वैष्णवी, आप बताइए क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही ताकेश्वर। आप ऐसा करिए, आप टाइप कर दीजिए, हाँ हर चीज, हर चीज जानने की जरूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब चलिए ये पढ़िए। चलो कौन पढ़ेगा ये? वैष्णवी आप पढ़िए। टू मच इन्फॉर्मेशन एंड टू लिटिल इन्फॉर्मेशन आर बोथ पैरालाइजिंग। वैष्णवी आवाज आ रही है? वैष्णवी
अच्छा धनेश्वरी आप पढ़ लीजिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? अच्छा चेतना ऐसा करो तुम पढ़ लो। Too much information makes designing difficult because you know that any idea you come up with will not answer adequately to all of it. हाँ यही बंद हो जाओ। हाँ यार एडिक्वेटली का मतलब क्या होता है? एडिक्वेटली रहे हो क्या? कह रहे हो विकी कुछ कह रहे हो? क्या सर एडिक्वेटली कह रहे हो मतलब भाई? हाँ पर्याप्त बोलो शो। सर, हाँ एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त, वेरी एग्जैक्ट जो गुड। मतलब जितना जरूरी है उतना। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड। तो अगर आप जरूरत से ठीक ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही, अभी डिजाइन की बात हो रही है, ठीक है, डिजाइन की बात हो रही है, अगर हमें कमरा बनाना है, अगर हमें एक फोटो पेंटिंग बनानी है किसी चीज की, हमें बता दी गई कि भाई इस इंसान की पेंटिंग बनाई है आप, तो लेकिन अगर आपको जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो वो पेंटिंग बनानी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है? टू लिटिल इन्फॉर्मेशन मेक्स डिजाइनिंग डिफिकल्ट बिकॉज एनी आइडिया विल लैक सफिशियंट रियल वर्ल्ड रैशनल। यानी अगर आप ये भी नहीं बताएंगे कि किसकी बनानी है फोटो, तो फिर मैं किसकी बनाऊंगा फोटो, है ना? बहुत ही लूज हो गया, मतलब कुछ भी बन सकता है, तो वो भी बहुत नहीं है। हाँ चेतना वन मतलब वन के आगे से पढ़ो। अधिक जानकारी भी है डिफिकल्ट जाएगा, कम जानकारी भी हाँ डिफिकल्ट, हाँ बिकॉज हाँ एनी दोनों आइडिया ही है। विल मेक हाँ दोनों सफिशिएंट, ही। कमी हो जाएगी हाँ, आगे वन से पढ़ो चेतना। सर। ये लैक यहाँ पे जो विल लैक है इसका मीनिंग क्या है सर? लैक लैक मतलब मैडम बताई थी ना, कमी कमी। कमी। हाँ हाँ कमी घटत। हाँ हाँ वन। हाँ बोलो One चेतन। needs contextual information in order to design, but doesn't know what information to look for until a design idea is under हाँ consideration. ये, हाँ ये छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा, ये किसी काम की नहीं है ये लाइन। अगली क्या हम लोग देखेंगे? लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो। Accept हाँ the conundrum. एक्सेप्ट द कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब क्या होता है भाई? कंफ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन मतलब बहुत भ्रमित। ज्यादा भी से भी दिक्कत है, हाँ बहुत कम से भी दिक्कत है, तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए जो हमें बता आइडिया कि भाई गांधी जी की फोटो बनाओ या रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो। जरूरत से ज्यादा बता देंगे तो दिक्कत है, कम बताएं तो दिक्कत है। तो इस कंफ्यूजन में आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई हो सकता है कभी कभी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा जो हमें दे दिया जाए काम, और हो सकता है हमें इतना कम काम दिया जाए कि हमें तब भी दिक्कत हो कि समझ में ना आए करना क्या है ना? तो ये ठीक है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पढ़िए अब आप। ये कौन पढ़ेगा अभी? सचिन तेंदुलकर की किताब से है। शोभा, तपेश्वर, खुशबू, यस सर कौन पढ़ पढ़ेगा? रही। शोभा पढ़ेगी। वेरी गुड शोभा, चलो चालू हो जाओ भाई। आई हैव टू कंटिन्यू हाँ जोर से बोलो, आपकी आवाज कट रही है बेटा। आवाज कट बेटा रही है। हाँ आपका आपका आवाज, आपके इंटरनेट कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है शोभा।
आपकी इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत हो रही है सुबह। ताकेश्वर, खुशबू, वैष्णवी, आप लोगों ने ना कोई सवाल पूछा है ना कोई जवाब दिया है अभी तक। विकी विकी देखिए, विकी की तरह विकी सवाल पूछ रहा है, जवाब दे रहा है, रीडिंग कर रहा है, आपने तो आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। आनंद को देखिए, आप कितने अच्छे जवाब देता, सवाल पूछता। चेतना को, चेतना तो हमारी स्टार स्टूडेंट है खैर। दानेश्वरी आप पढ़िए। नहीं दानेश्वरी को पता नहीं आवाज भी जा रही है या नहीं। नहीं हेलो, दानेश्वरी को आवाज नहीं जा रही है, ये तो ऐसे कैसे काम चलेगा। किस एक्साइटेड का मतलब एक्साइटमेंट से जुड़ा हुआ है ना, चीज का मतलब? वो एक्सेक्टिव सी दिखा रहा है, उनको अच्छा से नहीं दिख रहा है, सीपी क्या करता हूँ। एक्स कौन सा? अच्छा हाँ वाला हाँ 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 बिल्कुल एक्सटेसी, हाँ यस क्या एक्साइटमेंट। हाँ होगा मतलब, खुशबू, खुशबू हाँ इसका मतलब खुशबू आप पढ़िए, आप प्रेयर। पढ़िए ये आई हैव टू कन्फेस। आई हैव टू कन्फेस दैट वी नॉट एक्चुअली सी व्हाट मिलियंस ऑफ इंडियन कॉज्ड विथ सर। इसको एक्स 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 हाँ, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एंड डिलाइट। हाँ ओके एंड डिलाइट दैट नाइट आई डिड नॉट हाँ सी एक सेकंड माइंड। खुशबू, एक सेकंड खुशबू रुक जाओ। हाँ इसका किस चीज की बात कर रहा है सचिन? सर एम एस धोनी कह रहा है। नहीं आई नहीं किस चीज की बात कर रहा है वो? हैव हाँ एक्चुअली हाँ सचिन मिलियंस तेंदुलकर बोल, किस चीज की बात कर रहा है भाई वो? अरे यार तुम लोग, अरे तुम ये सर, उस रात जो तो को वर्ल्ड जब कप जीतने की मतलब बात हो रही है क्रिकेट ना। को हम लोग देखते हैं, तो मैंने मतलब स्वीकार करता हूँ कि लोग हाँ मिलियंस लोग देखते हैं, लाखों लोग, लेकिन मैं उन्हें नहीं उस रात को मतलब प्रसन्नता के साथ, हाँ उत्साह के साथ। हाँ लेकिन उस रात को मैं नहीं था उनमें जिसने देखा था, वर्ल्ड कप की जी बात कर रहा है वो। ठीक है हाँ अच्छा हाँ आई डिड नॉट, हाँ बोलो कौन पढ़ रहा था? खुशबू पढ़ रही थी। हाँ आई डिड नॉट अनलिमिटेड ड्रीम बिंग अल्टीमेट 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 अनलिमिटेड नहीं अल्टीमेट। अल्टीमेट ड्रीम बिंग फुलफिल्ड वेरी मोमेंट गुड आई हैव वेटेड टू शेवर सिंस सी मैच नाइन हाँ इंटरनेशनल डेब्यू। हाँ डेब्यूट इन नवंबर 1989 हाँ ओके द ओके हाँ रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। हाँ भाई ये डेब्यू का मतलब क्या होता है आनंद? सब सबसे पहले कदम रखना, मतलब कोई सबसे डेब्यू करता है तब। पहले हाँ जो पहला पहला मैच खेलते हो उसका डेब्यू मैच, यानी सबसे पहला कदम रखना है यानी उसका पहला मैच। ठीक है होता सेवर का मतलब क्या है? सेवर शेवर। का मतलब होता है किसी चीज को एंजॉय करना, किसी चीज को उसका उसका लाभ उठाना, इसको मतलब मजे करना उस चीज को। ठीक है हाँ हाँ खुशबू द रीजन। द रीजन वॉज दैट वेन महेंद्र सिंह धोनी ही हिट द विनिंग 6 एट द वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम आई वॉज विथ वीरेंद्र सहवाग इन द ड्रेसिंग रूम प्लेइंग आई। हाँ सर इसके आगे और पढ़ू? हाँ हाँ नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अब वर्ल्ड कप आप वाली तो आज कर रात रहे थी हो जो सर, वर्ल्ड कप पता जीते हम लोग, तो वो मैंने देखा ही नहीं था, वो सर मैंने आपने देखा क्या ही बोला नहीं था पता जिस जो हम वहां जब वर्ल्ड कप जीते थे वो हमने देखा ही नहीं था। जब हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप तो मैंने वो देखा ही नहीं, मैंने अपना ख्वाब पूरा होते हुए देखा ही नहीं। जिस जिस मोमेंट का मैं वेट कर रहा था कि मैं इसको एंजॉय करूं,
1989 से वो मैंने देखा ही नहीं। इसकी वजह ये थी कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो छक्का मारा वानखेड़े स्टेडियम में, तो तो मैं भी मैं वीरेंद्र देखा सहवाग के अंदर था था, हाँ, स्टेडियम में, और प्रे कर पर रहा था। हाँ प्रे हाँ आगे आगे बढ़ो खुशबू। रहा था। आई वाजंट आस्किंग गॉड टू हेल्प अस विन, ऑल आई वांटेड वाज दैट गॉड हाँ आगे शुड पढ़ो। डू व्हाट वाज बेस्ट फॉर अस, फॉर इंडिया क्रिकेट एंड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। हाँ ओके। हाँ इसका क्या मतलब है खुशबू, तुम बता दो। आई हैव स्कूल स्कूल गॉट मैं बताऊं और क्या सर, मतलब है? हाँ बताओ बताओ जितना। मैंने भगवान से हमारे जीत के लिए नहीं पूछा था। ऑल आई वांटेड जी वाज, मैं चाहता था कि गॉड शुड डू, भगवान को वो करना चाहिए व्हाट वाज बेस्ट फॉर, जो हमारे लिए सबसे अच्छा। हाँ लाभदायक हो। तो ये हाँ नहीं कह रहा है कि भगवान मुझे वर्ल्ड कप दिलवा दो, वो ये कह रहा है भगवान जो जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हो, वो ही चीज करवाइए आप, हाँ इंडियन क्रिकेट ठीक है? और क्रिकेट टीम के लिए। हाँ। तो एक तरह से जो वो पूजा पे भी बैठा है वो मांग नहीं रहा है, तो बस ये कह रहा है कि भगवान मुझे वो दे दो। ये सचिन तेंदुलकर है, देख लो कि मेरे को वो दे दो कि जो हमारे लिए बेस्ट, भले ही वो हार हो, ठीक है? अब खुशबू ने तो काफी पढ़ लिया, आनंद आप यहाँ से पढ़ लीजिए। आई हैड टर्न। ओके सर, आई हैड टर्न इट, ठीक है, सुपर क्या मतलब है? स्टेबल सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास में मैं खो बैठा था, अंधविश्वास की ओर देखा मैंने। आई हैड टर्न सुपरस्टिशियस ऑन द नाइट, उस रात वर्ल्ड कप वाली रात मैं अंधविश्वास में खो बैठा, और मैंने वीरू को बगल में बैठाया एक ही पोजीशन में कि तुम जिस जिस तरह से हो उसी तरह बैठे रहो चुपचाप। मैं ताकि इतनी हारे इतनी मत। बुरी तरह चाह रहा था कि मैं अंधविश्वास की ओर देखने लगा था, बेसिकली वो ये कह रहा है, ठीक है? नीदर ऑफ, ओके हाँ बोलो आनंद, नीदर। सर, ऑफ अस व्हेन टर्न सर आईडी है ना वेंचर्ड सर। मतलब हमने हमें कोई बाहर नहीं भटका कहीं हाँ भी। आउट नीदर ऑफ अस वेंचर्ड आउट टिल धोनी शॉट इंडोनेशिया। हैड क्रॉस द बाउंड्री। क्या आगे पढ़ूं क्या सर, क्या है ये? हाँ आगे पढ़ो। अ लिटिल अराइलर अर्लियर हाँ When it seemed that as an Indian win was on the cards, Viru had wanted to go out the of the dressing room to celebrate. आगे आगे पढ़ना पढ़ो। सर, हाँ I हाँ advised बिल्कुल। him not to till the match was finally over. I said to him that he could watch the moment 100 times on टेलीविजन इफ ही वॉन्टेड टू, बट फॉर द टाइम बींग ही शुड जस्ट सीट वेयर ही वॉज एंड प्रे। इट वॉज ओनली आफ्टर धोनी शॉट हैड फाइनली क्रॉस द बाउंड्री दैट आई वेन आउट। एग्जैक्टली हाँ तो बताइए अब आप क्या क्या मतलब है इसका। आनंद आप ही बताओ। सर वो जो वीरू सर जो है वो मैच फिनिश होने से पहले ही ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट करने के लिए चले गए थे, तो उन्हें उसको रोका कि फाइनल फाइनल बॉल तक रुको ऐसा करके। फिर जब धोनी ने फाइनल शॉट बाउंड्री मारा तब तब हाँ उन्होंने हाँ हाँ तब जाके उन्हें सहूलियत हुई। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है हाँ ओके। अब मेनी पीपल के आगे कौन पढ़ेगा भाई? आनंद पढ़ लिया, कौन पढ़ेगा? कौन मैं कौन? खुशबू। खुशबू ओके कंटिन्यू, वेरी गुड। मेनी हाँ मेनी पीपल चालू हो जाओ। मैनी पीपल आई हैव आस्क्ड मी व्हाट आई फेल्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। फ्रेंकली एट फर्स्ट इट वाज डिफिकल्ट टू टेक इन दैट वी हैड वॉन द वर्ल्ड कप। इट वाज ऑलमोस्ट हाँ क्या क्या मतलब है? एक एक सेकेंड। हाँ क्या मतलब है इस सेंटेंस का?
वही फ्रेंकली एट फर्स्ट इट वाज डिफिकल्ट टू टेक इन द क्रिकेट ऑन द वर्ल्ड कप. क्या मतलब है इसका? मतलब पीपल कहते हैं कि जो पर्टिकुलर मोमेंट होता है नहीं, लोग मेरे से पूछते हैं, पीपल पूछते हैं कि कैसा आपको महसूस हुआ उस मोमेंट में जिसमें हमने वर्ल्ड कप उठाया. लेकिन सच बोलूं तो पहले ये मुश्किल पड़ रहा था कि हम जीते भी हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जीते भी हैं या नहीं, मतलब बैठ ही नहीं रहा था मेरे पे. हाँ ओके, खुशबू कंटिन्यू. आगे आंख में चुभन हो रही है। आगे कोई बात नहीं, ठीक बोलो। है आप पढ़ लो. इट वाज ऑलमोस्ट. इट वॉज ऑलमोस्ट एफ एज इफ देयर वॉज स्टिल ए मैच लेफ्ट इन द टूर्नामेंट। इट वॉज ऑलमोस्ट ये अंततः इफ देयर वॉज स्टिल अ मैच लेफ्ट, यदि वहां मैच चलता हाँ इसमें लेफ्ट इन द टूर्नामेंट, नहीं, मुझे ऐसा यदि लगा मैच कि बचा एक हुआ और, मुझे लगा ऐसा बचा लगा, हाँ हाँ, मुझे ऐसा बचा लगा हुआ कि अभी तो एक और चला मैच होगा. खत्म हाँ हो गया क्या? मतलब खत्म होगा, अभी तो एक और होगा. बट व्हेन आई रैन ऑन टू द ग्राउंड, जब लेकिन जब मैं मैदान की ओर भागा एंड एम्ब्रेस्ड एन हाँ, इमोशनल यूवी, यूवी थोड़ा सा वो कौन है भाई? यूवी कौन है? युवराज सिंह, युवराज सिंह. हाँ हाँ तो वो हाँ इमोशनल थे। हाँ बिल्कुल. हाँ पढ़ो. इट वॉज इट इम्पॉसिबल टू वॉज कंट्रोल माई इम्पॉसिबल इमोशन. कंट्रोल माई, ये बहुत हाँ ही असंभव प्रतीत हो रहा था मेरे हाँ इमोशंस को नियंत्रण करने के लिए। बिल्कुल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट. बिल्कुल इट वॉज वन. हाँ इट पढ़ो. वॉज वन ऑफ दोज लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, ये एक वो सभी जो पल थे वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट थे, मतलब जिंदगी को बदल देने वाले। एंड वी वॉन्टेड टू हाँ लाइव ईच एंड एवरी सेकेंड, और हम जीना चाहते थे, मजे करना हाँ चाहते हर हर एक सेकेंड को, हर मैच को। ऐसा व्हाइल हाँ 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 सम प्लेयर्स वाइल्ड शाउट, सम प्लेयर. हाँ जब कुछ प्लेयर्स जो हैं वो चिल्ला रहे थे और कुछ लोग भी वही शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे दोनों का। अदर्स वर कीन टू गो अहेड, कीन का क्या होता है सर? नहीं घुटना शायद ना सर. शौकीन शौकीन. हाँ इंटरेस्टेड थे. कीन का अलग होता कुछ लोग थे जो है। चाहते थे कि चीखें चिल्लाएं मजे करें, लेकिन कुछ हाँ लोग थे चाह रहे थे कि हम टू गो सामने अहेड विद द जाकर विक्ट्री लैप इन फ्रंट ऑफ एक्स्टैटिक वानखेड़े क्राउड. वानखेड़े तो बॉम्बे में जो इनका स्टेडियम है वो है. तो कुछ लोग चाह रहे थे कि हम चीखें चिल्लाएं सेलिब्रेट करें, कुछ लोग चाह रहे थे कि हम दौड़े वानखेड़े के क्राउड के सामने जो स्टेडियम है उधर, और उधर एक 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 परिक्रमा लगाया वहां वहां पूरे स्टेडियम की. तो ये था सचिन तेंदुलकर का जो है अपना बयान वर्ल्ड कप का. ठीक है, काफी अच्छी कहानी लगी मुझे कि मैं आप लोगों से शेयर सर. करूं. हाँ बोलो. मुझे क्लास लीव करना था सर. आप कुछ और भी पढ़ाएंगे क्या इसके अलावा? हाँ एक और पैसेज है, अब आप जा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है. एक्चुअली सर मैं गांव में हूँ तो घर में नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसलिए नहीं. आप हाँ, आप चिंता ना करें. ओके हाँ सर। हाँ आप चिंता ना करें. शोभा शोभा साहू, आप इसके इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़िए. सचिन ही है, सचिन ही बात कर रहे हैं. दानेश्वरी शोभा बचे ही नहीं. ऐसा करो, पांच ही लोग बचे हैं, छह लोग. ऐसा करो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर ये. ठीक है, अभी रहने ही क्या देते हैं. ठीक है ठीक सर जी, अभी तो है. 8 भी नहीं बजाया, चलिए 7:30 भी नहीं हुआ है सर। नहीं लेकिन ऐसे बच्चे छह बचे हैं ना, तो ऐसे मतलब ही नहीं, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं सर, आप ठीक स्लाइड है भेज दो ना, वैसे ही सर. क्या क्या करें चेतना? वो मतलब जितना
है ना वो भेजे थे, वैसे इसको भी आप भेजना, इसको भेज दूंगा, भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है, चिंता मत क्वेश्चंस करो। कर सर। हाँ बिल्कुल, नहीं आप लोग तो बहुत अच्छे से करो, विकी वर्मा बहुत अच्छा किया, तो आनंद बहुत डाउट अच्छा किया। डाउट होगा उसको भी पूछ लेते। हाँ, उस बिल्कुल पूछा करो, वो तो क्लास बिना पूछे बात ही क्लास ही क्या हुई ना, ऐसे भी तो नहीं है तो। चलो ठीक है, अगली बार मिलते हैं। अभी 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 मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है, जी सर जी, ठीक है, ओके, सर जी, चलो, थैंक ओके ओके, यू नमस्ते बेटा, बाय बाय, सर, नो सर। प्रॉब्लम।